पैसा दीजिए, इसे खिलाना पिलाना पड़ता है बहुत सारा। दो आदमी अच्छा दो आदमी का खाना खाता है ये आदमी। चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट अगर आपको निकलना है तो एक मिनट मम्मी, तो किस तरह से उसके वेरिफिकेशन के स्टेप्स होती है वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, और मेरी एक्सपीरियंस जो भी रहेगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज पासपोर्ट वेरिफिकेशन का दिन है तो जा रहे हैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने, और जो आगे के स्टेप्स है वो भी आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। अपने पासपोर्ट का जो काम है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे करने के बाद मैं जाऊंगा एक प्लेस पर, तो वो भी उसका भी इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं बुढ़ाना में, और पासपोर्ट ऑफिस में जाना है अभी, पर भैया मेरे साथ में है अविनाश, इसको करनी है कटिंग नहीं करेंगे अभी, कटिंग तो कैंसिल करेंगे, दाढ़ी करेंगे ना। तो चलिए अभी पासपोर्ट ऑफिस में तो आ चुके हैं यहाँ पर बुढ़ाना में, इसी से घूम पा रही है, एक मिनट कुछ लगा देंगे यहाँ पर, चलो जानेंगे जानेंगे। तो अभी कौन, हाँ तो अभी बंदे ने दाढ़ी कर ली है, दाढ़ी दिखा दो पहले इसकी। ओके, दाढ़ी करने की वजह से इसको लगा टाइम, और हमको लगा था कि एक्चुअली मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ पक्का में ऐसा होता है, जो टाइम दिया है उसी पर होगा, पर यहाँ पर आने के बाद पता चला कि नंबर वाइज है, जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। तो अभी रुके हुए हैं, 14-15 नंबर है दोनों का, अभी 6 नंबर हो चुका है अभी, तो उसके बाद में लगभग कितने रहे अभी तक, 4 और 4 8 नंबर है बाकी, 7 नंबर बाकी मेरे लिए, इसके लिए 8 नंबर बाकी। तो चलिए अभी पासपोर्ट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस, ओके तो अभी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है, अभी पोस्ट से यहाँ से निकल रहे और अभी जहाँ पे जाना है दूसरा जो काम है वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा पहले खाना खाएंगे, और इसका दोस्त अविनाश का दोस्त आने वाला है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल है प्रोसेस, लगभग दो ही डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, आधार कार्ड और आपका 10th या 12th का सर्टिफिकेट, और कुछ नहीं मांगा उन्होंने, लगभग 7 मिनट्स के अंदर मेरा सब जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस हो चुका था, और अभी निकल रहे हैं कुछ बाहर जाएंगे, तो चलिए अभी बाद में मिलता हूँ, कुछ लोग घूर रहे हैं मेरी वो। जो पोस्ट ऑफिस से निकल के मैं जा रहा था, उसके बाद में नाश्ता हो गया, आपने देख लिया, पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, और अभी मैंने जैसे बताया था कि हम आने वाले कुछ एक और जगह पे जहाँ पे काम है, तो कुछ लोगों ने देख लिया होगा पीछे सुपर फूड मशरूम, हाँ तो फिर से हम यहाँ पर धार सिटी में है, धाड़ तालुका, नॉट सिटी, तालुका नॉट तालुका, तालुका भी नहीं है, गाँव है, तो धाड़ में है अभी। तो जो जिन्होंने पिछला वाला व्लॉग देखा होगा मशरूम का, उनको मालूम होगा क्या हुआ है क्या नहीं, और जो नहीं जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, वो सुपर फूड मशरूम का व्लॉग मैंने किया है। तो आज भी कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आके अभी एक बार मिल लेते हैं भैया से, और फिर बाद में चलेंगे घर पर। तो अभी थोड़ा काम करने वाले हैं, तो उसके ग्लिम्स मैं आपको देता रहूँगा क्या करने वाले हैं, अभी एक बार अभी जस्ट अभी पहुँचा हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पीकर फ्रेश होकर फिर से मिलूँगा आपसे, और अविनाश तो है ही साथ में, अविनाश
को देखना था, तो मैंने सोचा अभी चलते ही साथ में, अभी आए तो बाद में कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कॉलेज भी शुरू हो रहा है हमारे 3 तारीख से। भैया तो है ही, जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा है वो देख लीजिए क्योंकि वो ब्लॉग बहुत अच्छा बना है, और मशरूम का जिनको पता नहीं है प्रोसेस तो उस पर आज भी हम ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कितने वीडियो बनते हैं, 3-4 वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे आज, और जल्दी निकलना भी है। चलो तो चलिए अभी खाना हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं अभी, और 2.5 घंटे यहाँ पर रुकूंगा और फिर घर पे चले हम। तो अभी काम ये है कि यहाँ पर भैया को एक दो तीन वीडियो बना के देने हैं मशरूम से रिलेटेड, मार्केटिंग हो या सारी चीज़ें, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के दूंगा आज वीडियो सिर्फ बनाऊंगा। और जो एक मेरा फोकस ज़्यादा हो रहा है, तो आज जो है वीडियो बना के दूंगा, उसके बाद में एडिटिंग बाद में देखेंगे। तो चलिए अभी निकलने का समय हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, और अभी अविनाश में और मेरा भैया पेट्रोल भरवा रहे हैं यहाँ पर। तो पेट्रोल भरवाने के बाद एक्चुअली हुआ है कि जाना है मुझे यहाँ से 17 किलोमीटर एक रास्ता है, पर वहाँ पे एक ब्रिज था, वो ब्रिज गिर चुका है, तो इसकी वजह से अभी हमें गाड़ी पर जाना पड़ रहा है। एक्चुअली वीडियो बंद कर दिया था, पर यहाँ पर सीन देखा बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप। तो सोचा हमने कि यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि बारिश गिरी है पहली, और आप देख सकते हैं पीछे कितना पानी भर चुका है यहाँ पर। ये पहली बारिश का है ना, एक ही बारिश हुआ ना? फर्स्ट बारिश और हॉरिबल बारिश। जो काम आप देख रहे हैं बहुत सारा काम पानी फाउंडेशन की वजह से हुआ है। कौन सा? ओके। हाँ मैंने ये देखा है, अभी आप देख सकते हैं पूरे ये साइड, इस साइड पर भी आपको दिखेगा कि ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे मट्टियों के ढीक जो दिख रहे हैं, ये अभी अभी पानी फाउंडेशन के काम हुए यहाँ पर, पता चला है हमें। तो चलिए और एक बात कि ये जो आप देख सकते हैं ये पुल, ये कल परसों के बारिश में पूरा बह गया था ना, यानी पानी इससे बह रहा था। और आप अगर देखोगे तो, एक मिनट मैं आपके लिए फोकस और बढ़ा देता हूँ, ये हाइट लगभग कितनी होगी? 10 फुट। बाप रे बाप, हाइट 10 से ज़्यादा है, और इतना पानी यहाँ से ऊपर गया है, तो इतना बारिश यहाँ पर हुआ है। और अच्छा लग रहा है अभी बारिश होने के बाद, ये पानी देखने में जो सुकून मिलता है ना यार, बहुत अच्छा होता है। थोड़ा जोर से हमारा माइक। पहले बारिश का कुछ और ही मजा होता है। ओके। जो मिट्टी की खुशबू आती है फील करने के बाद ही समझते। पर आज का जो पूरा एक दिन था बहुत ही अच्छा गया, स्पेशली धाड़ पर जो मेहमान नवाजी की है भैया जी ने। भैया जी जब मैं ये सुनता हूँ तो डॉन टाइप लगता है। डॉन टाइप भैया जी जैसे लगता है कि मैं यूपी के। हां भैया जी, भैया जी आप खाइए ना, वो कौन सी एक सीरियल है? भैया जी सुपर हिट पिक्चर भी है, तो हम तीनों सुपर हिट अभी चल रहे घर पर। चलो यस। नहीं आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत सारे काम हुए आज। क्यों? हम अभी लगभग 5 या 6 बार गाड़ी से उतर के बैठे। अरे शायद से उतरना पड़ेगा, एक मिनट। अरे यार गाड़ी फंस गई यहाँ पर, निकाल लो सामने। गाड़ी हो गई स्कूटी और हम तीनों देखो गाड़ी छोटी हो गई। आदमी देखते हैं आप, ये आदमी पूरा भरा हुआ आदमी है, ये 2 आदमी है। अगर इसको बस में या ऑटो में बैठाना ना, तो ऑटो वाले बोलते 2 आदमी का चार्ज लूंगा इससे, 2। तो अच्छा वो अभी को साथ में मिला है, अब इसे 3 लोगों का लेते फिर किराया हमारा है। ये आदमी 2 देगा, कहाँ से लगाए बेचारा पैसा? तो आप प्लीज़ हमको डोनेट कीजिए, मैं पेटीएम नंबर छोड़ दूंगा नीचे, देख कर पैसा दीजिए, इसे खिलाना पिलाना पड़ता है बहुत सारा। ये 2 आदमी
ये दो आदमी का खाता है, दो आदमी का खाना खाता है ये आदमी। ओहो सामने से गाड़ी आ रही है, रुको। ओहो कट टू कट। तो इस आदमी पर दया खाइए आप लोग, और इसे कुछ खाना खिलाइए। पेटीएम नंबर दूंगा मैं, डोनेट कीजिए। और एक्चुअली आज पासपोर्ट ऑफिसर था वो बंदा, बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर था। मैंने तो आज मान लिया भाई ये पासपोर्ट वाले भी फोटोग्राफर अच्छे होते हैं। तो उसने मेरी फोटो दो बार खींची है, और मेरी तो दो बार खींची है। इसको तो भाई पूछा है, देखो लिटरली पूछा है कि तेरे को फोटो कैसी चाहिए। अभी इससे अच्छा बंदा, इससे जेन्युइन बंदा मैंने अभी अपने लाइफ में देखा नहीं है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी निकाला, फोटो निकाल दिया, इसका एग्जांपल देखो ना आधार कार्ड, इसका एग्जांपल देखो आधार कार्ड पे। कोई भी मैं को एक बात बोलनी है, कभी किसी ने मुकेश अंबानी का आधार कार्ड देखा है तो क्या होगा उसका फोटो भी। सालों ने मुकेश अंबानी को भी छोड़ा नहीं होगा। स्पेशली आज के वीडियो में थैंक्स भैया को, स्वप्निल भैया को, और उस वेरिफिकेशन ऑफिसर को जिसने हमारी फोटो अच्छी खींची है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक्सप्लोरर निखिल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। फैमिली वीडियोस होते हैं हमारे, हम अच्छे गाँव गाँव को कनेक्ट कर रहे हैं, जितने भी गाँव में हम जा रहे हैं वहाँ पर हम शूटिंग कर रहे हैं, हर चीज़ हर एक एक्सपीरियंस आपके साथ में बांट रहे हैं। तो आप भी शेयर कीजिए इन वीडियो को, और चलिए